पश्चिमी मिदनापुर में सीएम ममता बनर्जी को करना पड़ा जय श्री राम के नारे का सामना। गाड़ी रुकवाकर नारा लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता पर बिफरी ममता, गाली देने का आरोप लगाया। ठीक है जय श्री राम। पश्चिमी मिदनापुर में एक नुक्कड़ सभा के दौरान ममता ने समर्थकों से लगवाया चौकीदार चोर है का नारा। चौकीदार क्या है, चौकीदार क्या है, चौकीदार क्या है। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार, कहा जय श्री राम का नारा अगर ममता बनर्जी को गाली लगता है तो इसे और अधिक सुनने के लिए तैयार रहे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने किया ट्वीट, जय श्री राम के नारे से नाखुश ममता तो बताएं किस नारे से होंगी खुश। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के प्रचार पर लगा प्रतिबंध आज सुबह खत्म, चुनाव आयोग ने प्रज्ञा के प्रचार पर 3 दिनों का लगाया था बैन। 3 दिनों के प्रतिबंध के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने मंदिर में किया भजन कीर्तन। भोपाल में 12 मई को 6वें चरण में डाले जाएंगे वोट। साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल के काली मंदिर में की पूजा अर्चना। पूजा अर्चना के बाद साध्वी प्रज्ञा ने मंदिर में बच्चों के साथ दुलार करती भी नजर आई। भोपाल के अमीडिया रोड पर बने एक रेस्टोरेंट में भोजन करती दिखी साध्वी प्रज्ञा, खाई खिचड़ी। सीहोर में दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता ने की गणपति मंदिर में पूजा अर्चना। दिग्विजय की पत्नी अमृता का साध्वी प्रज्ञा पर वार, कहा भगवा कपड़े पहनकर खुद को बताती है संत लेकिन काम संतों वाले नहीं। वरुण गांधी ने फिर दिया विवादित बयान, सुल्तानपुर सीट पर मां मेनका गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे बीएसपी के बाहुबली उम्मीदवार सोनू सिंह को ललकारा। वरुण गांधी ने कहा ऐसा किसी सोनू मोनू से डरने की जरूरत नहीं, मैं संजय गांधी का बेटा हूं, ऐसे लोगों से जूते खुलवाता हूं। ये किसी सोनू या सोनू से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संजय गांधी का लड़का हूं, मैं इन लोगों से अपने जूते खुलवाता हूं, ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो में बवाल, करमपुरा में एक शख्स ने मारा चाटा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ब्रजेश गोयल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे केजरीवाल, खुली गाड़ी में चढ़कर शख्स ने किया हमला, थप्पड़ मारकर हमलावर ने की भागने की कोशिश, आप कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पीटा, किया पुलिस के हवाले। थप्पड़ कांड को लेकर मोदी सरकार पर बिफरी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, क्या केजरीवाल की हत्या करवाना चाहते हैं मोदी और शाह। आपकी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीएम की सुरक्षा पर उठाए सवाल, बार बार हमले के पीछे क्या है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हमले के आरोपी सुरेश ने खुद को बताया आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। केजरीवाल के थप्पड़ को मनोज तिवारी ने दिया मोड़, कहा चांटे के पीछे केजरीवाल के ही होने का शक। आईसेक से बोली हमला करने वाले शख्स की पत्नी, काफी समय से केजरीवाल से नाराज चल रहा था पति। विधायक कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर आरोप, पब्लिसिटी के लिए खुद को थप्पड़ मरवा सकते हैं। 2014 में केजरीवाल को थप्पड़ लगाने वाला ऑटो ड्राइवर को आज भी अफसोस नहीं, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं किया कोई काम। पीएम मोदी आज 3 रैलियों के साथ करेंगे धुआंधार प्रचार, मध्य प्रदेश में 2, यूपी में 1 रैली। यूपी के भदोही में सुबह 11 बजे होगी पीएम मोदी की पहली रैली, इसके बाद जाएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर में 2:30 बजे और ग्वालियर में शाम 5:50 पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हरियाणा में करेंगे 3 रैलियां, पहली रैली सुबह 9 बजे सोनीपत में, सुबह 11 बजे करनाल और दोपहर 12 बजे यमुनानगर में अमित शाह की रैली। दोपहर 2:30 बजे पठानकोट में अमित शाह और सनी देओल साथ साथ करेंगे चुनावी रैली। दिल्ली के करोलबाग में आज शाम 4:45 बजे मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे रोड शो, अजय माकन के साथ रहेंगे। कल दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने शीला दीक्षित के लिए प्रचार किया था, सीएम केजरीवाल पर वार में भूले मर्यादा, कहा जो अपनी खांसी ठीक नहीं कर सका वो दिल्ली का विकास क्या करेगा। अखिलेश यादव आज प्रयागराज, सुल्तानपुर और फूलपुर में करेंगे जनसभा। मायावती की आज अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में रैली। विवादित बयान के आरोपों पर प्रधानमंत्री मोदी को लगातार 7वीं बार चुनाव आयोग से मिली क्लीन चिट कमेटी ने 2-1 से किया फैसला। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को क्लीन चिट देने में चुनाव आयोग के 1 सदस्य थे असहमत, 3 सदस्य कमेटी के 2 सदस्यों को बयान में नहीं दिखा कोई विवाद। अमित शाह को चुनाव आयोग से मिली क्लीन चिट, कांग्रेस ने पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों पर दर्ज कराई थी आपत्ति। पीएम मोदी और अमित शाह से जुड़ा चुनाव आयोग का आदेश, पूल बॉडी की वेबसाइट पर अपलोड नहीं, उठे सवाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गुल मोहम्मद मीर की गोली मारकर हत्या, नौगाम में संदिग्ध आतंकियों ने मारी गोली। चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार किरण खेर को भेजा नोटिस, प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल के आरोप पर मांगा जवाब।
पंजाब में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, रूपनगर के आप विधायक अमरजीत सिंह कांग्रेस में शामिल। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत, बुर्का पर विवादित बयान देने का आरोप। औरंगाबाद नगर निगम के मेयर ने सीएम फडणवीस को 1400 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रस्ताव भेजा, सूखा प्रभावित औरंगाबाद जिले में जल संकट के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए की मांग। मेयर के सीएम को भेजे प्रस्ताव में महापुरुषों के म्यूजियम के लिए 50 करोड़, बाल ठाकरे के स्मारक के लिए 60 करोड़ रुपए की मांग। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।